नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में खुशियों की भूकंप आने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुत ही अनोखी चाल के साथ आप सभी के जीवन काल में जो ये ग्रह का परिवर्तन होने वाला है वो बहुत ही उचित रहने वाला है। दोस्तों, ये समय आपके लिए खास रहने वाला है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन काल में जो भी बदलाव होते हैं उनका कई प्रकार से आपके ग्रह के ऊपर असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति के जीवन काल में यदि ग्रह शुभ होते हैं तो दोस्तों उन्हें अशुभ परिणाम मिलते हैं। बता दें कि जिन परिणामों को आप करना चाहते हैं उसका असर आपको देखने को मिलता है। यूं कहें तो अच्छी शुभ स्थिति में भी आपकी सभी इच्छाएं पूरी भी होती हैं दोस्तों। और बता दें कि जब ग्रह विपरीत दिशा में होते हैं तो यह समय संकट समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। कुछ दोस्तों दर्द भरी समस्याएं आपके सामने आती हैं, कुछ कठिन कार्य भी करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय पर यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र और सतर्क तरीके से कार्य करता है तो दोस्तों अशुभ परिस्थिति में भी उसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे का जो ये समय आपके लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है और इस समय आपके जीवन काल में खुशियों के भूकंप आने वाले हैं, नए परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे। ग्रह की स्थिति आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इनमें आप लोगों को बहुत ही सफलताओं के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएँ भी होने वाली हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और दोस्तों समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। इनमें आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे कि इस समय आपको कौन सी खुशखबरियां मिलेंगी, कौन से बड़ी कामयाबी मिलेगी जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही आपके माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या सुधार क्या चमत्कार होने वाले हैं तो इसे आप अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, दोस्तों गुरु जी का सीधा आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा और माता रानी का भी सीधा आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस समय नई योजना बनाने तथा नए उपकरण करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ ही साथ ये समय आपको अपनी मेहनत के और प्रयास के साथ साथ सार्थक उपाय करने की भी आवश्यकता रहने वाली है। याद रखें कि किसी अन्य की सलाह आपके नुकसान का कारण बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर आज कार्यभार की अधिकता रहने वाली है, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है तथा किसी भी बात को नकारात्मक तरीके से ना देखें। दोस्तों, आपको अपने नजरिए के अलावा नए पहलुओं को भी समझने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रयत्न सफल रहेंगे, प्रयत्न जारी रखें तभी बड़ी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। हर बात के लिए खुद को प्रेरक बनाए रखें तथा दोस्तों लोग आलोचना कर सकते हैं लेकिन आपका निर्णय सही साबित होगा, आप अपने निर्णय पर टिकने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। आज प्रॉपर्टी की खरीद फरोख संबंधी चल रही कोई डील फाइनल हो सकती है। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं के लिए ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं तथा अपने अधिकतर कार्य दिन के पहले पक्ष में निर्धारित करने का प्रयास करें, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत रहने वाली है। कोई अप्रिय या अशुभ समाचार आपके हाथ लग सकता है जिसका असर आपके कार्य की क्षमता पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, परेशानियां आने पर शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस का काम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि छोटी सी गलती आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है तथा दोस्तों आपके द्वारा किए जाने वाले काम पर दूसरों का ध्यान बना रहेगा, इस वजह से छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, पूरा फोकस अपने काम और जिम्मेदारी पर बनाए रखें। आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, परिवार के लोगों के सामने आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोलना बेहद आवश्यक रहेगा। समय अनुकूल रहने वाला है, अधिकतम कार्य अल्प प्रयास से ही पूरे होंगे। कोई पारिवारिक समस्या हल होने से राहत मिलेगी, किसी नजदीकी मित्र के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता लेकर आएगा तथा मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए भी कुछ समय आध्यात्मिक व एकांत में समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की दोस्तों मनोवृत्ति से अनभिज्ञ ना रहें।
विचारों में भिन्नता की वजह से कुछ मतभेद उठ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना थोड़ा कठिन महसूस हो सकता है, जिस कारण अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। दोस्तों, आर्थिक स्थिति की चर्चा बाहरी लोगों से ना करें, हर एक काम खुद के बल पर करें। जरूरत पड़ने पर दोस्तों सही लोगों से सलाह लें, तथा दोस्तों करियर में भी आ रहे बदलाव की वजह से थोड़ी चिंता का सामना करना पड़ सकता है। नई जिम्मेदारी निभाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी। दोस्तों, निजी जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आज बाहरी गतिविधियों को स्थगित करके घर पर ही अपनी वित्तीय योजनाएं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। कार्य संपन्न होंगे, किसी भी तरह के मांगलिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना काफी खुशीदायक रहेगा, तथा कोई भी निर्णय इमोशनल होकर ना लें। बनते कार्यों में विघ्न पड़ने से कुछ चिंता का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी नुकसान भी संभव हो सकता है। यदि घर में सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों वास्तु के नियमों का पालन अवश्य से कर लें, तथा कुछ नया काम शुरू करने के लिए भी स्थिति अभी पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी मेहनत के अनुसार अभी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। अपने कार्यों की गोपनीयताओं का ध्यान रखें। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में दोस्तों विश्वसनीयता बनी रहेगी। लव कुछ समय परिवार के लिए समय निकालें, सबके साथ में दोस्तों मनोरंजन संबंधी योजनाएं भी बनाएं। इससे दोस्तों आपसी प्रेम प्यार और अधिक प्यार बढ़ेगा। दोस्तों, काम की गतिविधि अचानक तेज हो सकती है, इस कारण योजनाओं में कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अचानक से आने वाली समस्या के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता रहने वाली है, ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपके जातकों को कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। यदि दोस्तों व्यापार कारोबार में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, तो दोस्तों आप उसे किस प्रकार से संभालते हैं इस पर ध्यान दें, ना कि दोस्तों बेफिजूल की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करें। कार्य क्षेत्र में विभिन्नताएं बढ़ सकती हैं, काम ना मिलने से चिंता का विषय रह सकता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा खुद को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत पर ध्यान दें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मूल्यवान वस्तुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही साथ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के बीच आप अपने प्यार का भी ध्यान देना होगा। घर के मामलों के लिए समय निकालें, अपने प्रियजनों के सुझाव का भी सम्मान करें। आज आपकी खूबियों और व्यक्तित्व की ओर सिर्फ आपकी ओर कोई आकर्षण हो सकता है। इस दौरान आपको ध्यान देनी बातें योग्य देनी होंगी। जो दोस्तों आपके पास लोग हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण जो लोग हैं, उन पर ही ध्यान दें। आपके महबूब से दूरियों को कम करने के लिए आप लोगों को कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, लेकिन नियमित रूप से पहले उनसे संपर्क करें, जैसे कि दोस्तों वीडियो कॉल, संदेश या फिर फोन कॉल। ये आप लोगों के दोनों के बीच के रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां आप लोगों के हाथ लगेंगी, इसलिए आप लोगों को सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और खास बातों के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी हमारे कष्ट को दूर करो अवश्य लिखें। दोस्तों देखिए, जीवन का पहलू एक ये भी है कि हमारे जीवन में समस्याएं तो आती जाती ही रहती हैं। कभी दोस्तों सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तो कभी कभी ऐसा भी दौर आता है कि सब कुछ हमारे विपक्ष में चला जाता है। दोस्तों याद रखें कि एक समय पर भगवान हमें सब कुछ देता है, लेकिन सब कुछ पाने के बाद जब व्यक्ति आलसपन की स्थिति में आ जाता है, तो ईश्वर दोबारा उसे मेहनत करने का मौका देता है, ताकि वह अपने जीवन में खुशियों का माहौल पैदा कर सके, आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सके।